बुक द बीहाइव्स चैप्टर ए ट्रू ब्यूटीफुल माइंड। ए ट्रू ब्यूटीफुल माइंड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। डियर स्टूडेंट, ए ट्रू ब्यूटीफुल माइंड अल्बर्ट आइंस्टीन की बायोग्राफी है। द स्टोरी पोर्ट्रेट्स द अदर साइड्स ऑफ हिज लाइफ दैट ही कंसर्न एंड प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर एंड दैट इज रीजन व्हाई द लिटिल ऑफ द स्टोरी इज कॉल्ड ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। एज यू नो, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मनी सिटी ऑफ उल्म। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के एक शहर उल्म में हुआ था। हिज मदर थॉट ही वॉज फ्रीक बिकॉज ही हैड सीम्ड अनयूजुअल लार्ज। उसकी माँ समझती थी कि मेरा जो लड़का है एक फ्रिक टाइप का है, मैड सनकी टाइप का है। बिकॉज हीज हेड सीम अनयूजुअल लार्ज, क्योंकि और बच्चों के तुलना में उसका सिर बड़ा था। ही डिड नॉट स्पीक अनटिल द एज ऑफ 2.5 years। वह 2.5 वर्ष तक तो बोल नहीं पाया, जैसे कि जनरली चाइल्ड स्पीक नियर अबाउट 18 या 19 months। व्हेन ही फाइनली स्टार्टेड स्पीकिंग द अटर्ड एवरीथिंग, ये 2.5 साल के बाद जब बोलने की कोशिश किया तो रुक रुक करके बोलता था। ही लव मैकेनिकल टॉयज एंड प्रीफर बीइंग बाय हिमसेल्फ। वह कहीं भी मैकेनिकल टॉयज को लेकर के हमेशा एक्टिव रहता था, वह पसंद करता था। द हेड मिस्ट्रेस ऑफ आइंस्टीन द हेड मास्टर ऑफ आइंस्टीन्स स्कूल टोल्ड हिज फादर दैट नो मैटर व्हाट करियर आइंस्टीन्स वुड चूज ही हैड नेवर बी सक्सेसफुल। क्लास में आइंस्टीन के टीचर उनके फादर को बताया कि ये इसका भविष्य कोई खास क्लियर नहीं है, क्योंकि वो क्लास में एक्टिव होकर के नहीं दिखता है, इसका भविष्य क्लियर नहीं हो सकता। ही प्लेड द वायलिन एंड लेटर बिकम्स द गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन वह वायलिन बजाने का बहुत शौकीन है और बाद में वह वायलिन मास्टर बन गया। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच एंड लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 15 बिकॉज ऑफ द फीलिंग स्टिफल्ड। वह म्यूनिच में अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 15 साल में ही उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि स्कूल के जो सर्कमस्टांसेज हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस थे, उसे पसंद नहीं था। हिज पेरेंट्स हैव मूव टू मिलन एंड लेफ्ट हिम इन द म्यूनिच विद द रिलेटिव्स। इसी बीच उसके पेरेंट्स को वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और उन्हें मिलन जाना पड़ा, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे अपने रिलेटिव के पास छोड़ दिया, म्यूनिच में ही पढ़ने के लिए छोड़ दिया। ही गॉट टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन ए सिटी मच मोर लिबरल दैन म्यूनिच। म्यूनिच की तुलना में वह उस शहर में उसकी पढ़ाई ठीक हुई। ही वॉज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। उसकी रुचि फिजिक्स में थी और मैथ में वह खूब माहिर था, मास्टर था।
ही स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन द जरिच। वह जरिच सिटी में अपने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू की। अल्बर्ट फेल इन लव विद द मिल्वा मैरिक हुम ही टॉट वाज द क्लेवर क्रिएचर। वहाँ पर कॉलेज में पढ़ते समय उसकी मुलाकात मिल्वा मैरिक से हुई, जिसे वह प्रेम करने लगा और वह हमेशा इसको सिखाती थी। एट द एज ऑफ 21 ही वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बट अनएम्प्लॉयमेंट। 21 साल की उम्र में 21 ईयर्स में उसने ग्रेजुएटिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद बेरोजगार हो गया। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट एंड गेव प्राइवेट लेसन टू सर्वाइव हिज लाइफ। वह अपना करियर टीचिंग असिस्टेंट और एक प्राइवेट ट्यूटर के रूप में शुरू किया। ही सिक्योर्ड ए जॉब इन 92। उसका जॉब 92 में मिला एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन बर्न। बर्न में उसे 92 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब मिला। इन 1905 वन ऑफ द फेमस पेपर वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थियरी ऑफ द रिलेटिविटी। और 1905 में आइंस्टीन की एक थियरी एक पेपर में पब्लिश्ड हुई, जो थियरी का नाम रिलेटिविटी कहते हैं, सापेक्षता का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। उस थ्योरी में टाइम और डिस्टेंस क्लियर नहीं किया गया था। ही ऑल्सो डिराइव द वर्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। उसने यूनिवर्स का सबसे बड़ा फार्मूला मास और एनर्जी का E=mc² को उसने प्रूफ किया और उसको सिद्ध करके दिखाया। आइंस्टीन वांटेड टू मैरी मिलिवा आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी बट हिज मदर डिड नॉट अप्रूव ऑफ इट एज सी थॉट मिलिवा वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। आइंस्टीन मिलिवा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ को ये पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी माँ समझती थी कि मिलिवा आइंस्टीन से उम्र में बड़ी है और वो उसे लाइक नहीं करेगी। ए बुक जस्ट लाइक ही वॉज हीज फाइनली गॉट मैरिड इन द जनवरी 1903 एंड हैड टू सन। अंत में उसकी मैरिज मिलिवा के साथ 1903 में हुआ और उससे उसके दो बच्चे भी हुए। Unfortunately, they divorced in the year 1919. After marriage 17 years बाद they got the divorce. ये दोनों divorce ले लिया। Then he married his cousin Ilsa the same year. और वह अपने cousin Ilsa से उसी वर्ष शादी कर लिया। In 1915, He had published his theory of the relativity. और 1950 में उसने अपना रिलेटिविटी का थ्योरी को पब्लिश कराया। An eclipse of the sun in 1999. He proved that it was the accurate. उसने बताया सन की क्या स्पीड है और सन से जो एनर्जी मिलती है उसको कैसे हम करते हैं, इस सारी चीज थ्योरम उसने क्लियर करके समझाया। अल्बर्ट मूव टू US इन 1933। अल्बर्ट वहाँ से 1933 में US चला गया। वेन द नाजीज कम टू द पावर इन जर्मनी, जब नाजी सरकार जर्मनी की सत्ता में आई, देयर वॉज एन एक्सपेक्टेशन दैट नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटम बम।
ये कहा गया कि नाजी एक बम बनाएंगे और एटम बम का यूज कर सकते हैं, जो कि आइंस्टीन ने बनाया था। ही रोट द पब्लिकली मैसेज टू द यूएनओ प्रोपोजिंग द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, बट इट मेड नो इम्पैक्ट। उसने यूएनओ को लेटर भी लिखा कि इस बम के प्रयोग होने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ा। इसका परिणाम हुआ कि नागासाकी हिरोशिमा में अमेरिका ने अपना पहला एटम बम गिराया और जिसका विनाश सारी दुनिया ने देखी। इसे आइंस्टीन काफ़ी दुखी हो गया था। ही डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76। वह 76 ईयर्स की उम्र में इस दुनिया को विदा बोला। ही वॉज नो एंड सेलिब्रेटेड एज द विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज द साइंटिफिक जीनियस। आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन को एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में और एक विजनरी के रूप में आज भी हम याद करते हैं, और दुनिया का श्रेष्ठ नागरिक के रूप में वह याद करता जाएगा।